Hello, I am Dr. Neela Vakore and I am teaching biology almost for 25 years now. Thode se apne bare mein bata deti hoon. I have done my master's MSc in zoology and I am double master's. I have done my MPhil in life sciences. I did my PhD which was based on an ICMR project. And that I did from Rajasthan University, Jaipur. Since last 25 years, I'm teaching students who are preparing for NEET, pre-medical exams, yeah, entrance exams ke liye. And I take botany as well as zoology. Ab kya padhayenge, uske baare mein baat karne se pehle, let us talk about our subject, that is biology. When we say biology, it includes both botany and zoology. And NEET UG ke liye biology makes 50%. So 50% jo syllabus hai, that is biology, 25% botany and 25% zoology hai. So major part hamara biology hai. There is a misconception about biology that it has to be mugged up. I don't know from where it started. I don't believe in this. सिर्फ 5% 5 से 6% चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं. साइंटिस्ट के नाम हो सकते हैं, ईयर्स हो सकते हैं, बट द मेजर पार्ट, अबाउट 95% पार्ट बायो का ऐसा है विच इज़ टू बी अंडरस्टूड एंड दिस इज माई मेन फोकस. सो व्हेन आई टीच माई स्टूडेंट्स, मेरा पूरा फोकस इस पर होता है कि वो चीज़ समझ में आनी चाहिए. If you have understood the concept, तो उसके बाद में आपको उस चीज़ को बार बार पढ़ने की, उसे मगअप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. So you learn something, concept एक समझ में आ गया, and now there is only application of that concept. और application आती है when you solve more and more questions. So biology पढ़ने का तरीका बहुत simple है, समझना है. We need to understand. कॉन्सेप्ट, बिकॉज मोस्टली जो चीज़ें हैं वो फिजियोलॉजी है, प्रोसेसेस हैं, और एक प्रोसेस एक तरीके से होती है. वंस वी हैव अंडरस्टूड दैट, वी आर ऑल सेट. और फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं. अगर किसी क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन या गलत हो जाता है, देन वी गो बैक टू दैट कॉन्सेप्ट, उसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. बायोलॉजी जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सो देर इज़ वन मोर प्रॉब्लम विच दे फेस. और हमेशा मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मुझे ये कहते हैं कि ये एक चीज़ है जो हमें बहुत परेशान करती है, एंड दैट इज साइंटिफिक नेम्स. पूरा बायो बॉटनी है, जूलॉजी है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सबके साइंटिफिक नाम हैं. अब साइंटिफिक नाम जो होते हैं, वी नो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से है, विच इज़ डिफिकल्टी, नॉट ईजी टू रिमेंबर. सो दो तरीके हैं, या तो हम उसे टूवर्ड्स द एंड याद करें, वी टेक लाइक अ बिग लिस्ट ऑफ दोज नेम्स, और फिर रट्टा मारें, उसे मगअप करें. द अदर ऑप्शन इज वी डू इट ऑन अ डेली बेसिस. एक्चुअली वी डोंट सी बायो अराउंड अस, एवरीथिंग अराउंड अस इज बायोलॉजी. खाना खाते हैं दिन में 2 बार, मेन मील्स होते हैं. वॉट इज देयर इन अवर मेन मील? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. व्हीट है चपाती के फॉर्म में, ये हम रोज खा रहे हैं. सो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग और मगिंग अप द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, कैन वी नॉट डू इट ऑन अ डेली बेसिस? अभी तो सेलफोन्स आ गए हैं एंड आप नाम से नंबर सेव कर लेते अपने फ्रेंड का, बट एक टाइम था व्हेन यू यूज्ड टू डायल द नंबर. फ्रेंड्स के नंबर डायल करने के लिए आपको कभी कोई रेफरेंस नहीं लगा, बट बायो में साइंटिफिक नाम याद करने के लिए हमें बहुत परेशानी होती है. वो नंबर फ्रेंड का हमें क्यों याद था? बिकॉज उसे हमने 2, 3, 4 बार डायल किया था. सो दिन में जब हम 2 बार चपाती खा रहे हैं, सो कैन वी नॉट से आई एम टेकिंग ट्रिटिकम एस्टिवो 2 बार, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन एवरी डे? आज आपने एक सब्जी खाई है, से पोटैटो की सब्जी है, कैन वी नॉट से आई हैड a vegetable which was solanum tuberosum? हो गया, साइंटिफिक नेम है, पूरा साल है हमारे पास. और दिन में अगर 2-2 नाम 3-3 नाम हम रोज कर लेते हैं, सो कैलकुलेट करो, यू हैव 1 ईयर एंड 3 नाम हर दिन के हो गए.
दिस इज़ हाउ यू नीड टू स्टडी बायोलॉजी. और जैसे ही आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप हो जाएगा ठीक. एंड ये जो आप डर के भागते हो फ्रॉम दीज टर्म्स एंड द कॉन्सेप्ट्स, वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. सो दिस इज़ व्हाट इज़ माय मेन फोकस. क्लास में भी व्हेन आई टीच, यही मेरा मेन फोकस होता है. प्लस कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं वेयर देर आर सम शॉर्ट ट्रिक्स विच यू नीड टू यू नो सो दैट अगर एग्जाम में कहीं कुछ थोड़ा सा हमें लगा कि नहीं गड़बड़ हो गई, तो वो शॉर्ट ट्रिक हमें हेल्प कर सकती है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बायोलॉजी एंड आई एम श्योर यू विल स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट. इफ यू लव द सब्जेक्ट, आपको वो कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगता है. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट माई सेल्फ, आई हैव टोल्ड यू दैट हम बायो पढ़ने वाले हैं एंड बायो भी हम उस हिसाब से पढ़ेंगे दैट एक बार पढ़ लिया एंड वी विल बी डन. और नीट क्रैक करना विल बी वेरी ईजी फॉर अस. सो आई विल सी यू वेरी सून इन अ लाइव क्लास. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.